हेलो सर, आवाज जी आ रही हाँ मेरी? बिल्कुल आ रही है, चलते जाओ चलते टुडे आवर प्रेजेंटेशन टॉपिक इज अबाउट पोलियो इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस इन पाकिस्तान। आई एम नेचंद कुमार, सन ऑफ जामन दास, रिप्रेजेंटिंग माय ग्रुप नंबर 6। सर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पिछला लिया है। First of all, introductions. Poliomyelitis is also known as polio, is a highly infectious viral disease, mainly infects the children under 5 years of age. The virus belongs to family Bicocorridiae, and there are three poliovirus serotype, wild polioviruses 1, 2, and 3. पोलियोमाइरस को हम आमतौर पे पोलियो की तरफ से जाने जाना जाता है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक डिजीज है वायरल के हिसाब से, जो कि 5 साल के कम उम्र बच्चों को ज्यादातर अफेक्ट करती है। ये वायरस जो है ना पिकोकोरिनाइडी की ये जो है ना वास्ता रखता है, और इसके जो है ना सीरोटाइप के लिए 3 टाइप है इसके। ये जो पहला है वाइल्ड पोलियोवायरस 1, और दूसरा वाइल्ड पोलियोवायरस 2, और तीसरा है वाइल्ड पोलियोवायरस 3। सर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद द वायरस अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम एंड कैन काज इरिवर्सिबल पैरालिसिस इन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन मैटर ऑफ आवर्स। द वायरस स्प्रेड्स थ्रू पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट वाया द फेकल रूट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इवन थ्रू द ओरल रूट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ये जो वायरस है सीधा जाके हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब हमारे बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाती है, जो कि ज्यादातर हमें जो है ना पैरालिसिस करती है, पैरालिसिस होना शुरू हो जाती है कुछ ही जो घंटों में ही अपना इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है ना आगे कहता है, ये जो वायरस है ना इंसान टू इंसान में, जो अगर कंटामिनेटेड कोई इंसान है फिर उसे इंसान टू इंसान भी फैल सकता है, या फिकोरल रूट की वजह से होता है, या कंटामिनेटेड को जो हम खाना खाते हैं जूठा एक दूसरे का, जो पहले अफेक्टेड हो उसकी तरफ भी होता है, अगर पहले पानी इन्फेक्टेड तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो ओरल टू ओरल रूट ट्रांसमिशन, ये भी मुनासिब है कि ओरल टू ओरल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सर नेक्स्ट, the incubation period usually ranges from 7 to 21 days. The initial symptoms of the disease include fever, headache, fatigue, vomiting, pain in the limb, and stiffness in the neck. However, the majority of infected individuals, 90%, have very mild symptoms or no symptoms and usually go unrecognized. ये इसका जो पोलियो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 दिन तक होता है। शुरू में इसके जो अलामत है वो ज्यादातर बुखार भी होता है, सर दर्द होता है, और बॉडी में थकावट भी होती है, वोमेंटिंग भी होती है, और ये ज्यादातर क्या करता है हमारी जो है ना लिम्स। हेलो सर, आवाज आ रही है? जो ज्यादातर जो है ना ये हमारे लिम्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो अपर लिम्स हो जो हमारे बाजू आ जाते हैं, चाहे लोअर लिम्स जो हमारे टांगे आ जाती है, ये दोनों को अफेक्ट करता है ज्यादातर, और हमारा नेक है वो भी हार्ड हो जाता है। उसके बाद जो है ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बात करता है कि जो मेजॉरिटी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल 90% में ऐसा होता है कि जो सिम्टम है वो कम ही नजर आते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना सिम्टम मतलब होते ही नहीं है, तो फिर हमें ज्यादा जो है ना डायग्नोस करने में पता नहीं चलता, जब वो पेशेंट पूरा इलाज होता है फिर हमें जाके पता चलता है कि इसको पोलियो हो गया है। तो टू फर्दर एलाबोरेट अ टॉपिक मिस्टर उमे एमएन जॉइन अस। उमे एमएन, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। सर जैसे कि देवचंद ने ऊपर पोलियो के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन, उसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मैं फर्दर डिफाइन करूंगी। पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। द वैक्सीनेशन इज गिवन मल्टीपल टाइम्स, सच एज द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इज गिवन एज अर्ली एज 6 वीक्स ऑफ एज, एंड फॉर 4 मंथ ऑफ अ सेकेंड डोज इज गिवन एट 6 to 18 मंथ, एंड
एज ऑफ थर्ड डोज इज गिवन. सर इसमें बता रहे हैं कि तीन डोजेज होती हैं वैक्सीनेशन की. जो फर्स्ट डोज होती है वो 6 वीक्स में हम लगा देते हैं, जो सेकेंड डोज होती है 4 मंथ्स में लगती है, और जो थर्ड डोज होती है वो 6 to 18 मंथ्स में दी जाती है. सर नेक्स्ट स्लाइड. सर अब इसमें है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न. The epidemiological pattern of polio depend upon the degree of socio-economic development and healthcare services of a country. The pattern of disease has been considerably modified by widespread immunization. Sir, इसमें हमारा pattern बता रहे हैं. जो polio का हमारा pattern है वो हमारी socio-economic development और healthcare services पे totally depend करता है, और ये एक widespread immunization है. Sir, next slide. अच्छा अब इसमें हमारे WHO के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कितने पैटर्न डिफाइन किए हैं. अकॉर्डिंग टू WHO 3 एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न हैव बीन नाउ डेलिनेटेड. कंट्रीज विद नो इम्यूनाइजेशन, द वायरस इन्फेक्ट ऑल चिल्ड्रन एंड बाय एज 5 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एंटीबॉडीज टू एटलीस्ट वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस. इन दैट पैटर्न पैरालिटिक पोलियो केसेस आर फ्रीक्वेंट इन इन्फेंट. सर इसमें ये बता रहे हैं जिस कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन नहीं होती तो जब बच्चे 5 साल के होते हैं उनमें 3 टाइप्स होते हैं इन पोलियो के, जिसमें से मोस्ट कॉमन उनमें पैरालिटिक पोलियो केसेस डेवलप हो जाते हैं. अब सेकेंड है हमारा कंट्रीज विद पार्शल इम्यूनाइजेशन. इन दीज कंट्रीज वाइल्ड पोलियो वायरस इज लार्जली रिप्लेस बाय वैक्सीन वायरस इन द एनवायरमेंट. सर इसमें बता रहे हैं कि जिन कंट्रीज में पार्शली इम्यूनाइजेशन है उसमें वाइल्ड पोलियो वायरस हो जाता है लार्जली, फिर उसको हम वैक्सीन से कवर करते हैं काफी इलाका में जाके. अब हमारे लास्ट है कंट्रीज विद ऑलमोस्ट टोटल इम्यूनाइजेशन कवरेज. इन दीज कंट्री पोलियो इज बिकमिंग रेयर, हाउएवर स्पैरोटिक केसेस डू अकर. सर जिन कंट्रीज में कंप्लीटली इम्यूनाइजेशन हो रही है लेकिन उन कंट्रीज में भी कभी कभी पोलियो हमारे हो जाते हैं. थैंक यू सर. अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड मैमूना प्रेजेंट करेंगी. आप लोग के मेमोना नजर आ रही है ग्रुप में? जी जी सर वो आना ही नहीं. मेमोना मेमोना यहाँ तो प्रेजेंट नहीं नजर आ रही है. अभी थी, एक मिनट टेक्स्ट करते हैं पर्सनल. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मेमोना कर रही हूँ. हेलो जी मेमोना, अगर आपको आवाज आ रही है तो करंट एपिडेमियोलॉजी सिचुएशन ऑफ पोलियो इन पाकिस्तान. सर इसमें बता रहे हैं कि पोलियो के केसेस कितने 2014 में कितने आए हैं 306, 2015 में 54 केसेस आए हैं, 2016 में 20 केसेस आए हैं, 2017 में 8 केस आए हैं और 2018 में 12 आए हैं, 2019 में 147 आए हैं और 2020 में 51 केसेस आए हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड. हेलो सर नेक्स्ट स्लाइड. पोलियो इन पाकिस्तान. द पाकिस्तान पोलियो एरिडिकेशन प्रोग्राम हैज बीन फाइटिंग टू एंड द क्रिपलिंग पोलियो वायरस फॉर ओवर 25 इयर्स. द इनिशिएटिव इज ड्राइवन अप बाय अप टू 260,000 पोलियो वैक्सीनेटर, द लार्जर सर्विलेंस नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Quality data collection and analysis state of the art laboratories and some of the best epidemiologists and public health experts in Pakistan and the world.
सर इसमें बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 25 साल से पाकिस्तान में पोलियो से बचने और पोलियो के खात्मे के लिए जंग जारी है और सर इसमें डेटा कलेक्ट किया जा रहा है पोलियो वायरस का और एनालाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टू रिमेनिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर पोलियोमाइलिटिस पोलियो इज स्टिल कैटेगरीज हैज एन एंडेमिक वायरल इन्फेक्शन द अदर वन बीइंग अफगानिस्तान हैज ऑफ 12 नवंबर 2020 देयर हैव बीन 81 डॉक्यूमेंटेड केसेस इन पाकिस्तान इन 2020 and 147 document cases in Pakistan. In 2019, the total account of wild poliovirus cases in Pakistan in 2018 was 12. Sir, इसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो poliovirus के खात्मा जो है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है 2020 में जो पाकिस्तान के केसेस हैं वो 81 आए हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड थ्रू द पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन इन द कंट्री स्टार्टेड इन 1947 द एफर्ट फॉर इरिडिकेशन ऑफिशियली स्टार्टेड इन 1994 The infection remained endemic despite over 100 rounds of vaccination being carried out in the past decade. Pakistan had the world's highest number of polio cases in 2014. Sir, इसमें बता रहे हैं कि पोलियो के लिए जो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट की थी वो 1947 में की थी और 1944 में खात्मा पाकिस्तान में इसका खात्मा के लिए काम किया था। पाकिस्तान में पोलियो का जो हाईएस्ट काम किया जा रहा है 2014 से। सर नेक्स्ट स्लाइड अस्सलाम वालेकुम सर इरिगेशन एफर्ट्स ऑफ पोलियो इन द सेंचुरी 20 सेंचुरी द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज बिगन इन पाकिस्तान बाय द वर्ल्ड हेल्थ organization in the 1970 to combat death for six vaccine preventable disease in 1980 the epi has vaccinated just 2% of population against polio by 1990 the coverage had increased to 54% in a 1994 interview cdc the official predicted total population eradication in pakistan within 2 to 3 years by 1995 the WHO project total eradication by the year 2000 a target that the organization reaffirmed in 1998 yani API yani 1970 mein start hui thi WHO ki madad se yani ye ke 6 vaccine preventable disease thi 1980 mein sirf 2% vaccinated hue the aur 1990 में 54% वैक्सीनेटेड हुए थे और सीडीसी ने जो कि पेशन गोई की थी कि 1994 में यानी ये ख़त्म 1994 में ये बोला था कि 2 या 3 साल में ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद डब्ल्यूएचओ वालों ने बोला कि यानी ये 2000 या 1998 तक ये ख़त्म हो जाएगी। सर नेक्स्ट स्लाइड However, deposit donor attention, the rate of vaccinated suggests by 1991 only 83% of Pakistani children had been vaccinated. Research by the Center for Disease Control in April 1998 cites a failure to vaccinate. Vaccine failure and inadequate immunization strategies as cause for the continuous incidence of the polio in this time.
रीजन फॉर अंडर वैक्सीन इंक्लूड द पॉपुलेशन बीइंग अनइन्फॉर्म्ड कंसीडर वैक्सीनेशन अनइम्पॉर्टेंट एंड हैव टू ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंस टू वैक्सीन साइट। यानी ये जो डोनर पाकिस्तान की तरफ इंटेंशन दी जा रही थी और 1991 में 83% वैक्सीन हो चुके थे और CDC ने अप्रैल 1998 में यानी रिसर्च किए या हवाला दिया था ये फेल हो रही है जो कि इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी की वजह से जो कि पोलियो के इंसिडेंट्स बढ़ रहे थे। इसमें ज़्यादातर अक्सर ये था कि लोगों को पता नहीं था या तो वो वैक्सीन को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे या तो EPI सेंटर दूर थे इसकी वजह से वो जा पा नहीं रहे थे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इन रिस्पॉन्स टू दीज चैलेंजेस ऑर्गेनाइज इंक्लूड द WHO यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रूटे इंटरनेशनल एंड द बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पुल टुगेदर टू डिवेलप फंड इंटेंसिव एडुकेशन कैंपेनज इंक्लूडिंग डोर टू डोर वैक्सीन। यानी इस चैलेंज को देखते हुए WHO CDC यूनिसेफ और रूटे इंटरनेशनल ने ये बिल पास किया कि यानी सब मिलकर ये फंड इकट्ठा करेंगे जिसमें यानी ताकि डोर टू डोर वैक्सीन दी जाए। सर नेक्स्ट। सर दी स्लाइड्स। यस सर देशन प्लीज बोले। अगर आप सर ये जो स्लाइड्स हैं ये सनम की है लेकिन सनम अभी प्रेजेंट नहीं है ऑनलाइन भी नहीं है नहीं कांटेक्ट भी उसका आप से आ रहा है तो उसके बिहाफ पे सर यानी डिफाइन करेंगे मैं करता हूं मैं कर दूं यानी आप कर रही हैं मैं करूं पोलियो तो सर मैं इसका कंक्लूजन बोलना चाहूंगी जो हमारा मतलब लाइक ओवरऑल प्रेजेंटेशन का और ओवरऑल इस स्टडी का कंक्लूजन बनता है। Finally, it is concluded that polio is a cause of social and economical burden. यानी कि ये consider किया जाता है कि polio जो है वो socially और economical burden बन रहा है एक वजह बन रहा है which calls for developing debilitating innovating strategies for good quality polio immunization considering the conflict and insecurities in particular setting. जो कि ये सब चीज़ें मांगता है कि लाइक इनोवेटिव सेटिंग स्ट्रेटजीज बननी चाहिए गुड पोलियो इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं पोलियो की प्रिवेंशन के लिए उन सबको कंसीडर करता है कि ये सब चीज़ों पे इश्यूज पे बात करनी चाहिए इसको और बहस लाना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी With the topic of conclusion, I will continue ke further the most implementation of comprehensive, effective and integrated preventive strategies will reduce the incidence of polio among Pakistani population. Early detection is possible through profound awareness, facilitating diagnosing and treatment. There is also a need for effective partnership of नेशनल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल टू मेक पाकिस्तान अ पोलियो फ्री कंट्री। सर इसमें फर्दर ये बताया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव कॉम्प्रीहेंसिव जो स्ट्रेटजीज होंगी उनको लाने के बाद ही पोलियो से मतलब लड़ा जा सकता है पोलियो के इंसिडेंस को रोका जा सकता है खासतौर पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। अर्ली डिटेक्शन भी होनी चाहिए जैसे कि देचंद ने बोला कि कुछ तो सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं कि लाइक उसको हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन को पॉसिबल बनाया जाए प्रोफाउंड अवेयरनेस होनी चाहिए उन इलाकों में जहाँ पे इसका प्रिवेलेंस ज़्यादा है बट वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है फैसिलिटीज दी जाए डायग्नोस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ताकि इसको कवर अप किया जाए क्योंकि पाकिस्तान अभी स्टिल इम्यूनाइजेशन वाला ही स्टेज पे है यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं हुआ है। इसलिए एक और पॉइंट बहुत गौरे बहस लाया जाए कंक्लूजन में कि इफेक्टिव पार्टनरशिप होनी चाहिए नेशनल बेसिस पे रीजनल बेसिस पे एंड ग्लोबल बेसिस पे मतलब ऑल ऑफ ऑल जितनी भी शहजाद ने बताई हैं सब के सब लाइक वो कंपनीज और वो जो थ्रू आउट द ग्लोब सारी एजेंसीज हैं जो मिलकर कर रही हैं इम्यूनाइजेशन के लिए वर्क उनको वापस से एक और गौरे बहस लाया जाए कि पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है ताकि पाकिस्तान से इसको बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाए। दिस वॉज माई स्लाइड्स एंड दिस वॉज माई टॉपिक एंड थैंक यू फॉर दिस।